great songs that he's performed with Uncle Yannick as well. Raja Karani, we love that one. We love a bit of Dude. We love a bit of Tera Naam. We love a bit of Papa Kete. He's going to be giving you all of his anthems. Birmingham, are you ready to welcome him onto the stage? Then let's raise the roof. Let's start your clapping. Let's start your clapping. Let's make some noise. He goes by the name of Odin Narayan. इसने मुफलिसी के दौर से गुजरकर अपना नाम अमर कर दिया। हम बात कर रहे हैं महान गायक उदित नारायण। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे फादर बोलते थे कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। मैंने फादर से कहा कि मैं जरूर पढ़ूंगा, लेकिन मुझे गाना गाने का शौक। तो बोला शौक से गाओ, लेकिन ये भी तुम ध्यान में रखना कि तुम एक किसान के बेटे। और जब मैं मैट्रिक किया तो फिर कोई रास्ता नहीं था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर रेडियो स्टेशन मुझे काम मिल गए। महीने में एक फोक गाना गाता था और मुझे 100 रुपये मिलते थे। फिर उससे होता नहीं था। फिर उस दरमियान रात को 5-स्टार होटल में गा के मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज क्योंकि भारतीय दूतावास से नहीं मिली थी और उसी के सहारे सन 1978 में ये मुंबई चले आए। और यहाँ भारतीय विद्यावन चौपाटी में मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली और शाम को ट्रेनिंग लेता था और सुबह से शाम तक मैं म्यूजिक डायरेक्टर से जाके मिलता रहता। इस तरह मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। हालांकि सन 1980 में ही इन्हें इनकी पहली फिल्म मिली थी। फिल्म का नाम था 1920। मुझे राजेश रोशन जी ने 1920 फिल्म में रफी साहब के साथ गवाया और उसके बाद कल्याण जी, आनंद जी भाई, आर डी बर्मन साहब, बप्पी लहरी जी, राम लक्ष्मण जी, ए आर रहमान जी एंड ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स फ्रॉम साउथ कुछ कुछ फिल्मों में कुछ कुछ गाने गवाए। लेकिन तकरीबन 10 बरस इनका संघर्ष रहा और 1987 में जब इनका बेटा पैदा हुआ आदित्य, तब एक अजब इत्तेफाक हुआ। एक तरफ औलाद का जन्म और दूसरी तरफ इनका गाना। कयामत से कयामत तक सुपर हिट साबित हुई। इसके सभी गाने हिट हुए और उदित नारायण छा गए। भारत रत्न लता जी की तरफ से मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। उनके साथ बहुत सारे गाने गाने के भी मौके मिले मुझे। और लता जी को पता चला कि मेरा जन्मदिन है 1 दिसंबर, तो उन्होंने अनाउंसर से कहा कि आज अनाउंसमेंट करो कि उदित नारायण इज ए प्रिंस ऑफ निगर सिंह। और उन्होंने मुझे गोल्ड के चेन भी पहनाए। और यश चोपड़ा साहब, जब मैंने जादू तेरी नज़र गाया, उन्होंने कहा लोगों से ये मेरा बेटा है। बहुत बड़े एक्टर की इनकी आवाज़ चाहिए थी। देखिए आमिर खान साहब के साथ करियर की शुरुआत, शाहरुख जी के साथ भी वैसा ही हुआ, सलमान जी के साथ भी वैसा ही हुआ, सनी देओल जी के लिए गाया गदर एक प्रेम कथा, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा। इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा। 2009 में मुझे पद्मश्री मिला और 2016 में मुझे पद्म भूषण मिला। पर उदित नारायण एक ऐसा नाम बने जिन पे भारतीय सिनेमा को हमेशा गर्व रहेगा। वो प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, एक्टर्स हो, टेक्नीशियंस हो, सब लोगों ने इतना प्यार दिया है। लेकिन मेन जो अवार्ड है वो है पब्लिक का अवार्ड, ऑडियंस का अवार्ड, फैंस के अवार्ड। वो अगर गाने को पसंद करते हैं, गाने को लाइक करते हैं, तो उससे बड़ी बात और क्या है कि जिसके वजह से मैं उदित नारायण बना। We'll be right back.
Thank you.
किरण, आई लव यू, आई लव यू किरण। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर।